तो भाई इस सीन को, हाँ इस सीन को जरा ध्यान से देखो। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि टोनी भाई इस सीन में ये इशारे करके क्या बताने चाहते हैं। यार आपको समझ आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये इशारे करके वो हमको क्या बताना चाहते हैं। नहीं बताऊंगा। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई कमाल के वीडियो में। और दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोनी कक्कड़ के एक और नए गाने के बारे में जिसका नाम है तेरा शूट। मतलब नाम चेंज है बाकी सब कुछ वही है। ये तो टट्टी है। हाँ वही है, मतलब बिल्कुल सेम लिरिक्स सेम फ्लो सेम म्यूजिक। और लिरिक्स की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। फिलहाल जो भी हो हमको क्या, हमको तो सिर्फ मजे लेने हैं, तो चलो यार इस गाने के भी मजे लिए जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाने की शुरुआत होती है इस सीन से जहाँ पे हमको दिखाया जाता है एक अलग ही प्रकार की जेल। आई मीन ऐसी जेल कहाँ पे होती है, शायद ये 5-स्टार जेल है जो कि सिर्फ टोनी कक्कड़ जैसे बंदों के लिए बनी है। आई मीन टोनी कक्कड़ के गाने सुन के भी बहुत सारे लोग तो तो जेल तो जाना पड़ेगा ना, तो शायद ऐसी जेल सिर्फ टोनी भाई जैसे बंदों के लिए बनाई गई है। इस सीन में ये लड़की यहाँ पे उदास होके बैठी होती है एंड यहाँ इन दोनों के साथ ये लड़की खड़ी होती है। लेकिन सिर्फ एक सेकंड के अंदर कैमरे का एंगल चेंज किया जाता है और अगले सीन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये लड़की खड़ी थी वो यहाँ पे बैठ जाती है एंड यहाँ पे जो ये उदास लड़की बैठी थी वो तो यार इतनी ज्यादा खुशी से बैठे बैठे डांस करना शुरू कर देती है। आई मीन कैसे, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि यार मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस तो चेंज करते हैं लेकिन पता नहीं उनका मूड कैसा होता है। पहला स्टेटस होता है लव वाला, दूसरा सैड, तीसरा इंस्पिरेशनल, चौथा मतलब मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे भी शायद वही सीन हो रहा है कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करना क्या है। गजब बेइज्जती है। इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि आपको सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा लेकिन यार मेरे भाई मेरी नजरों में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो कैसे, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अपने टोनी भाई हमको दिखाते हैं जादू जो कि टिकटॉक की पहली पहचान था। आई मीन टिकटॉक तो बैन हो गया ना, तो पहचान था। तो यहाँ पे टोनी भाई दिखाना चाहते हैं कि जैसे ही वो चश्मे को उतारते हैं तो सारे जितने भी यहाँ पे बंदे होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं और जैसे ही फिर से चश्मे को पहनते हैं तो यहाँ पे सभी वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारे प्यारे टोनी भाई, आप जो ये ग्रीन स्क्रीन का यूज कर रहे हो ये तो थोड़ा सही से कर लेते। मतलब यहाँ पर वो पहले वाला बैकग्राउंड साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके हाथ भी ग्रीन स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं तो साफ देखा जा सकता है कि आप ग्रीन स्क्रीन का यूज कर रहे हो। मतलब कटे हुए हाथ ही तो दिखाई दे रहे ना। तो फिर हमको बताओ कि इतना ज्यादा खुश होने वाली क्या बात है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात हमको जरूर समझ आ गई कि आखिरकार आप एक ही फ्लो के अंदर एक ही म्यूजिक के अंदर इतने सारे गाने कैसे बना लेते हो, क्योंकि आप एक खराब ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने के बाद भी इतने ज्यादा खुश हो सकते हो। तो यार इतने सारे एक ही फ्लो में और एक ही म्यूजिक में गाने बना के आपको कितना मजा आता होगा वो हम फील कर सकते हैं भाई। चल झूठा। एंड इन सभी के बाद हम बात करते हैं इस सीन के बारे में। तो यार बताओ कि टोनी भाई आप कौन सी तरफ इशारे कर रहे हो, मतलब क्या बताना चाहते हो। यार ऐसी चीजें कर करके प्लीज यूट्यूब को बैन मत करवा देना बिकॉज यूट्यूब इज लव। ओह माय गॉड, टू लव। बात समझा करो। तो इस सीन को देखे तो यार मुझे बिल्कुल पता चल गया कि आखिरकार टोनी भाई इतने जल्दी जल्दी गाने कैसे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस सीन के अंदर तो इस गाने के जितने भी ऑडिशन हुए ना उन सभी को ऐड कर दिया गया। मतलब देखो ना, जब इस गाने के ऑडिशन चल रहे थे तब टोनी भाई ने बोला होगा, हाँ तो बताओ हमारे नए गाने के ऑडिशन के लिए कौन कौन सी लड़की आई है, सामने आओ तो प्लीज। अरे यार दूसरी भेजो, इसमें मजा नहीं आ रहा है। इसमें भी नहीं। नेक्स्ट। अरे वो बूटी शेक वाली को भेजो ना। नेक्स्ट। mm,
अच्छा था पर मजा नहीं आया। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि सभी को इस गाने के अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके बाद इन सभी के डांस को इस गाने के अंदर जोड़ दिया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। तो यहाँ पर जब ये सभी अपनी ड्रीम जेल के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं, तो इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे नोट उड़ रहे हैं और नीचे भी पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज किया जाता है, यहाँ से दिखाया जाता है, तो एक भी नोट दिखाई नहीं देता है और नीचे भी कोई भी नोट नहीं होता है। मतलब ये कैसे हो गया? बिल्कुल जादू। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करना, बट कुछ ना कुछ करके जरूर जाना। और अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए।